I went to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैंने वो बाजार की तरफ किया और वहां पे एक शेल्टर था जो क्लॉक टावर का था. He said there, the clock shot midnight. I felt for the knots. They were damp in the rain. अब मुझे नोट के बारे में मैंने महसूस किया, वो पानी में बिल्कुल भीग चुके थे, बारिश से भीग चुके थे, डैम्प हो गए थे. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब कहते हैं मॉर्निंग में अगर अनिल की मनी, अगर मैं वहीं पे होता, I would have not stolen this money, then he would have given me 2 to 2-3 rupees to go to cinema. But now, अब जितने भी पैसे हैं वो सारे मेरे हैं. I could not cook his meals. अब उसका खाना नहीं बना सकता. Run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो वो जो sentences वो सीख रहा था वो भी नहीं कर पाएगा. I had forgotten about in the excitement of the theft. अब कहते हैं कि मैं इतना excitement हो गया था कि मुझे चोरी करनी है, मैं ये सब चीजें ही भूल गया. Whole sentences. I knew I could one day bring me more than a few hundred rupees. मुझे पता था कि मैं एक दिन इससे भी ज्यादा 100 rupees लेके आऊंगा. It was simple matter to steal. कि मेरे लिए चोरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. And sometimes just as simple to be caught. और कई बार तो सिंपल है कि पकड़े जाना. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. कहते कि मुझे, मैंने अपने आप से क्या बात की, you should go back to Anil. If you want to learn to read and write, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना है, then you should go back to Anil. I hurried back to the room feeling very nervous. For it is much easier to steal something than to return it undetected. अब कहते हैं कि चोरी करना तो ठीक है, पर उसको वापस वहां पे रखना ताकि वो पता भी ना चले, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम था. I opened the door quietly, then stood in the doorway. डोरवे पे खड़ा हो गया. In clouded moonlight, Anil was still asleep. Anil अभी भी सोया था. I crept to the head of the bed. And my hand came up with the notes. वो कहता है कि मैं उसके सर के पास जाके वहाँ पे धीरे से वहाँ पे गया. और मेरे हाथ जो मेरे नोट्स पे गए, I felt his breath on my hand. और मुझे लगा कि जैसे उसकी सांस मैंने महसूस की. I remained still for a minute. मैं कुछ देर वहीं पे रुका. Then my hands found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और मैंने अपने मेरे जो हैंड थे वो मैटर्स तक गए और मैंने नोट्स को वहीं पे स्लिप कर दिया, वहीं पे छोड़ दिया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अब कहते हैं कि सुबह मैं बहुत लेट, कुछ लेट उठा. टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अब मुझे, मैंने क्या देखा कि अनिल पहले ही मेरे लिए चाय बना के लेके आया है. ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी. उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया. देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. अब उसके हाथ में क्या था, 50 rupees थे. My heart sank. मेरा दिल ऐसे लगा जैसे मैं डूब गया. I thought I had been discovered. मुझे लगा कि मैं तो पकड़ा गया. I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. अब वो क्या कहता है कि मैंने, अब मुझे, मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब तुम्हें हर मंथ पैसे मिलेंगे. My spirits rose. But when I took the note, कहता मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसको नहीं पता है, पर जैसे मैंने वो नोट लिया, I saw it was still wet from the night's rain. मुझे, मैंने क्या देखा कि वो नोट अभी तक भी गीला है. Today we will start writing sentences, he said. आज हम sentences learn करना सीखेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसको पता था कि that he had stolen this money, and after that he kept that money, hid the money under the mattress again. He knew, but neither his lips, ना तो उसके लिप्स में और ना ही उसकी आंखों से पता लगा कि उसको कुछ भी महसूस है या उसको कुछ भी नॉलेज में है कि मैंने, कि दिस मनी वाज स्टॉलन वंस. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माय मोस्ट अपीलिंग वे. मैंने वैसे ही बहुत अच्छी से स्माइल की. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और उसने भी मुझे वैसे ही स्माइल कर दी. सो देयर इज द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो एंड टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. Okay, so we will discuss all the questions and all these
Assignment would be given to you soon. Thank you so much, students.